नमस्ते दोस्तों, जेएसटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्टिंग दोस्त हरजीत सिंह चौहान। तो वही अपना शो शुरू हो जाता है रात को 9 बजे, मिशन आर्यपार। और इसमें आप जानते हैं जो टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम से जुड़े हुए, साथ ही आपको कुछ नॉलेज भी देते हैं। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके लिए मिशन आर्यपार, जो आपको आगे के एग्जाम में पहुँचाएगा, आपके नए पार लगा देगा। और चलिए शुरू करते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसका पहला क्वेश्चन। आरबीआई द्वारा घोषित निम्न में से किस तरलता समायोजन सुविधा भी कहा जाता है? SLR, रेपो दर, CRR, रिवर्स रेपो दर। तरलता समायोजन सुविधा भी कैसे कहा जाता है, जल्दी से बता दें अपना आंसर। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और मैं बता रहा हूँ इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है रिवर्स रेपो दर को तरलता समायोजन सुविधा भी कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन आर्थिक विकास का सहगामी है? मुद्रास्फीति, रिफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति या स्टैगफ्लेशन, कौन इसमें आर्थिक विकास का सहगामी है, जल्दी से बताएं। आपका टाइम केवल 5 सेकंड का रहता है। और चलिए, आपका टाइम होता है खत्म और मैं बता रहा हूँ इसका सही उत्तर जो आपके स्क्रीन पर, ये रहा मुद्रा स्फीति आर्थिक विकास का सहगामी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? गुप्त काल में, मौर्य काल में, वैदिक काल में या मुगल काल में? किस काल में ज्यादा सिक्के मिले हैं, जल्दी से अपना आंसर पिक कर लें। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ इसका सही उत्तर, ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसका सही उत्तर है मौर्य काल। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुखार्ब या गोल्डन फिजेंट किस जिले का शुभंकर है? कोटा का, बारा का, बूंदी का या टोंक का? शुभंकर राजस्थान के शुभंकर आपने पढ़े होंगे, शुभंकर मीन्स हर जिले का होता है आपके एक पशु या पक्षी, उस हिसाब से ये होता है। चलिए, आप जिसने अपना आंसर पिक कर लिया होगा, मैं बताता हूँ उसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है बूंदी, बूंदी जिले का है सुखार्ब या गोल्डन फिजेंट। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कानड़दे प्रबंध का रचयिता कौन है? जयानक, पद्मनाभ, सूर्यमल मिशन या वीरबान? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से बता दे कानड़दे प्रबंध का रचयिता। चलिए मैं बता रहा हूँ इसका सही उत्तर, आपने अपना आंसर पिक कर लिया होगा और ये रहा इसका सही उत्तर, पद्मनाभ कानड़दे प्रबंध के रचयिता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? चंदेलो द्वारा, चालुक्य द्वारा, पल्लवों द्वारा या कुतुबुद्दीन द्वारा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी अपना आंसर देते हैं, 5 सेकंड का समय होता है आपके लिए। चलिए मैं बता रहा हूँ इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है चंदेलो द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया। अब आपको बताना है खजुराहो का मंदिर कहाँ है भारत के अंदर। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत का अटिला किसे कहा जाता है? अटिला मतलब हिंसा प्रिय होता है। चंद्रगुप्त को, कनिष्क को, अल्लट को या मिहिरकुल को? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से बता दें भारत का अटिला। चलिए ये रहा इसका सही उत्तर आपके स्क्रीन के ऊपर, मिहिरकुल को भारत का अटिला कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी बता दें इसका सही आंसर और आपका टाइम खत्म होता है। मैं बता रहा हूँ इसका सही उत्तर, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु के अंदर प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से अशोक किस वंश से संबंधित है? वर्धमान से, मौर्य से, कुषाण से या हूण से? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से अपना आंसर पिक कर लें। चलिए मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पर इसका सही उत्तर, ये रहा मौर्य काल से संबंध रखते हैं सम्राट अशोक। आगे बढ़ जाते हैं आज का टॉप 10 का फाइनल क्वेश्चन। फाइनल क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सन 1559 में किस नगर की स्थापना हुई थी? उदयपुर की, जोधपुर की, बूंदी की या कोटा की? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से बता दे और आज का फाइनल क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं अपने शो को। चलिए इसका सही उत्तर है उदयपुर। अब आप क्या करें, ये 10 क्वेश्चन आप टैली कर ले, आपने इसमें कितने आंसर सही दिए और कितने आंसर गलत दिए और आप कहाँ तक आप तैयारी कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी आप तैयारी नहीं कर रहे तो भी एक जनरल नॉलेज के हिसाब से आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपको चीजें पता है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का शो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।